आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओल्ड एज पेंशन यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं और बहुत सारे ऐसे दुकान वाले भी हैं जिनको ओल्ड एज पेंशन यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है। तो आज के वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको ओल्ड एज पेंशन यानी बुढ़ापा पेंशन अप्लाई करना नहीं आता है। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ओल्ड एज पेंशन यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो बुढ़ापा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से आप जो है ओल्ड एज पेंशन यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओल्ड एज पेंशन अप्लाई करने के लिए सभी स्टेट का जो है वेबसाइट अलग अलग है, लेकिन सभी स्टेट का जो प्रोसेस है लगभग सेम ही है। तो आप जो भी स्टेट का से हैं तो यहाँ पर आपको ब्राउज़र में टाइपिंग कर देना है ओल्ड एज, और जहाँ से भी जो भी स्टेट से अपना स्टेट का नाम टाइपिंग कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम टाइपिंग कर देते हैं ओल्ड एज पेंशन हरियाणा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आ रहा ओल्ड एज पेंशन हरियाणा, तो कुछ इस तरह से ये आ गया। आपको फर्स्ट वाले ही जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना है तो आपको कुछ इस तरह से ये ओपन हो गया आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है तो आप ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ये पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहा है कि क्या आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपको इसमें ढेर सारा टर्म एंड कंडीशन दिए हुआ है, जो टर्म एंड कंडीशन को आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको उसी हिसाब से आपको फिलअप करना है। इसी तरीक़े से अगर आपको यूपी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर लिख देना है ओल्ड एज पेंशन यूपी। ये जैसे यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन आ गया है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं पहला ही लिंक पर आपको यहाँ पर जाके ओके कर देना है। जैसे ओके कीजिए तो कुछ इस तरह से ये पोर्टल आपका जो यूपी का वेबसाइट है वो इस तरह से कुछ ओपन होकर आ जाएगा, और आप यूपी में हैं तो इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यूपी में ओल्ड एज पेंशन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, क्योंकि हर स्टेट का पूरा प्रोसेस दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको यूपी का ऑनलाइन और लाइव आपको दिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस, जो आप कैसे आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वृद्धा पेंशन के लिए। अगर आपको योजना के बारे में जानना है तो आपको यहाँ योजना के विषय में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये पूरा ये जो छोटी सी फाइल ये ओपन होकर आ जाएगा। इस फाइल को आपको क्या करना है, यहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है और पूरा इसको आप एक बार इसको सही तरीके से आपको रीड कर लेंगे। और इसमें आपको जो इस योजना के बारे में पूरी डिटेल से बताई गई है वो पूरी डिटेल से आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के रीड करके समझ लेंगे। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन का प्रारूप को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आ गया ऑप्शन खुल के, यहाँ से इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेंगे। इसके बाद इसके साथ सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको कल्याण समाज विभाग आधिकारिक वसी को जाके सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप जाएंगे यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई ना हो तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये पोर्टल ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ओल्ड एज पेंशन यहाँ पर चार प्रारूप दिया हुआ है। यहाँ न्यू एंट्री के लिए अगर आप नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से भरे हुए हैं तो यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। अगर भरे हुए फॉर्म को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। मैनुअल पर जाके सिंपली इसको आप कोई जो डॉक्यूमेंट इसमें देंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है कि इसमें आपको क्या अपलोड करना है, तो उस हिसाब से आप अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि फ़ोटो आपको 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और इसके जो फॉर्मेट है यह आपको JPEG में होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम साइज दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ दिख रहे हैं कि बर्थ और एज सर्टिफिकेट है, जो आपको 60 साल से ऊपर का होनी चाहिए, वो 100 KB में होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दे रहे आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ वोटर ID, आधार कार्ड, राशन कार्ड का आपका होना चाहिए, ID प्रूफ इसका 100 KB का होना चाहिए, और यहाँ पर दे रहे हैं PDF फाइल में ये अभी आपका होना चाहिए।
इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ बैंक का पासबुक आपको लगेगा जो भी 100 KB का होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको आय प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है तो वो 100 KB में होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए। तो लगभग ये 4 कंडीशन है जो आपको 100 KB में और फोटो आपको 20 KB में आपको ये होना चाहिए। न्यू फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली आना है यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन है तो ऑनलाइन आवेदन पर ओके करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यू एंट्री तो हमको इस पर ओके कर देना है। जैसे हम इस पर ओके करेंगे तो आप कुछ यहाँ पर हाइलाइट दे रखा है जो हाइलाइट आपको समझ लेना है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देख रहे हैं कि स्टार का जो मार्का लगा हुआ है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भरनी है हर हाल में, तभी आपका ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा, नहीं तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। दूसरा बात देख रहे हैं कि यहाँ जो आपका फोटो है 20 KB का है और यहाँ देख रहे हैं कि PDF का फाइल जो है वो 100 KB से और यहाँ पे जो है 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो वहाँ पर दे रखा था नोटिस में दे रखा था पहले मैं आपको दिखाया था वो 100 KB में था और यहाँ पर है आपको PDF फाइल जो मैक्सिमम साइज आपको 500 KB में होना चाहिए। चलिए हम नीचे बात करते हैं इसकी डिक्लेरेशन को, तो यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिगत विवरण के लिए, तो यहाँ जनपद मतलब अपना जिला यहाँ अपने चूज करेंगे, तो जो भी जहाँ से भी है वो जिला को यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ निवास कहाँ से है, अब नगर से शहर से है या ग्रामीण से है तो यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर तहसील आपका जहाँ है वहाँ से आप तहसील चूज कर लेंगे। इसके बाद ग्रामीण विवरण के लिए आप आइए, यहाँ ब्लॉक आपके कहाँ पर है तो ब्लॉक जो भी है वो ब्लॉक आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ग्राम पंचायत आपका कहाँ पर है तो यहाँ से आपको ग्राम पंचायत इसमें से आपको चूज कर लेना है कि कहाँ पर आपका ग्राम पंचायत है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका गाँव कहाँ है तो यहाँ से आप अपना गाँव को चूज कर लेंगे। न्याय पंचायत का यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डाकघर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ आवेदक का नाम आपको भरना, जो भी क्लाइंट है उसका नाम यहाँ भरना है। यहाँ से लिंक चूज करना है, महिला पुरुष जो भी है। इसके बाद यहाँ पिता पति का नाम डालना है, मकान नंबर भर देना है, गली नंबर इसमें आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लोकेलिटी पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ वो आपको पूरा पता यहाँ पर टाइपिंग कर देना है और यहाँ पर आपको रंगीन जो है पासपोर्ट आकार का फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो आपको मैं बता दिया था 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप अपना श्रेणी चूज कर लेंगे, SC ST OBC जो भी है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से उपश्रेणी आपको चूज कर लेना है। उपश्रेणी मतलब ये हो गया कि जो हिंदू मुस्लिम में जो भी कोई कास्ट होता है तो वो उसका जो यहाँ पे आप टाइपिंग करेंगे। यहाँ पे अपन जन्म तिथि चूज कर लेंगे कैलेंडर में जाके। इसके बाद यहाँ पर जो सा ईयर में आपका जन्म हुआ है वो चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आयु आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है, जो आयु 60 साल से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि अपलोड जन्म तिथि या आयु प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पहचान पत्र में आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है वोटर आईडी राशन कार्ड। इसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर होगा और यहाँ पर उसको जो डॉक्यूमेंट है इसका अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा जो डेट नहीं है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, बैंक का विवरण देना पड़ेगा, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है तो वो बैंक यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद बैंक का शाखा यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि आपका बैंक जो शाखा है वो कहाँ पर है, तो सिंपली आप यहाँ से इसको शाखा को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पर बैंक का शाखा चूज करते ही यहाँ पर आपको IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बैंक का खाता नंबर संख्या जो है वो आपको डालना है या और यहाँ पर आपको बैंक का पासबुक का आपका फोटो कॉपी जो है अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आय का विवरण पर आइए, यहाँ देख रहे हैं कि आपके परिवार के कुल वार्षिक आय कितना है तो आपको यहाँ पर वार्षिक आय डालना पड़ेगा। मैं बता दूँ आपको नॉलेज के लिए कि यहाँ पर आपको 48,000 से कम ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर फॉर्म अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप 48,000 से कम का ही आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, यहाँ पर टाइपिंग करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र का आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप टाइपिंग करेंगे और आय प्रमाण पत्र की संख्या जो है ऊपर कोना साइड में कोने पे लिखा रहता है कोने पे, तो वो नंबर यहाँ पर आप टाइपिंग करेंगे और वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपका BPL सूची में नंबर है तो वो BPL सूची का नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ कैप्चा है, अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कर लीजिएगा, वो कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर कर देना है सेव। आपकी एप्लीकेशन फिल हो गई है और आपको एक नंबर भी दे दिया जाएगा, ये नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ ये आप प्रिंट करके इस फॉर्म का प्रिंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन वाले पर यहाँ ऑनलाइन आवेदन पर ओके करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिट सेव फॉर्म पे आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कीम चुनने पे, तो यहाँ पे आपको वृद्धा पेंशन की स्कीम चुनना है। यहाँ जनपद जो भी जनपद से थे वो जनपद यहाँ आपको डाल देना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपको मिला है ये रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ जाकर इसको आप इसमें इसको इसे पेस्ट कर लेंगे। इसका ये कैप्चा है, इसमें कैप्चा डाल के सर्च करे पे सर्च कर देंगे।
जैसे ही ओके करेंगे आपके पास ये पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप अपने पूरा रीडिंग करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कैप्चा, आपको इसमें कैप्चा डाल के फाइनल सबमिट कर देना है। अब ये आपकी फाइनल सबमिट हो गई है। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर दिया गया है और यहाँ से जाके आप इसको प्रिंट करके सेव करके रख भी सकते हैं। और ये दिख रहा है कि कृपया आवेदन की स्थिति के लिए अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। और क्लिक करके यहाँ पे आप इसको एक बार प्रिंट कर क्लिक करके तो आप हम देख के यहाँ से प्रिंट करके इसको आपको क्या करना है, सेव करके PDF फाइल में सेव करके रख लेना है। और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर प्रिंट किए जो भी आपको फाइल हो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, होकर आ जाएगा। और जो भी फॉर्मेट में आप जहाँ भी रखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आकर इसको सेव करके रख सकते हैं। अगर ये फॉर्म गांव की है तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दी गई है, अगर शहर की है तो SDM को फॉरवर्ड कर दी गई है। इसके बाद यहाँ इसको प्रिंट ओके सेव करने के बाद यहाँ पर आप क्या करना है कि अगर आपके अगल बगल में कोई शॉप है तो वहाँ से जाकर आप इसको प्रिंट करके ले लीजिए। और इसके साथ सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपके पास फ़ोटो हो गया, आपके पास बैंक का स्टेटमेंट हो गया, राशन कार्ड का स्टेटमेंट हो गया, इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट आपको लगा के आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाके आपको सबमिट कर देना है। तभी ये प्रोसेस आपको वहाँ से आगे फॉरवर्ड होगा और आपका ये प्रोसेस हो पाएगा। इसके बाद कभी भी अपने एप्लीकेशन की स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर मेन पेज पे आएंगे, यहाँ देख रहे हैं कि आवेदन की स्थिति, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक पासवर्ड बनाने के लिए, तो आप यहाँ से एक पासवर्ड बना लेंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक पे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ स्कीम का नाम देंगे जो भी है, जैसे वर्ल्ड पेंशन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आपको यहाँ डालना है, बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ डालना है और ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना है। तो ये आपकी पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और ये आपका पासवर्ड हो गया और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे। और इस बार आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति जाने हेतु आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो और ये जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ ये पे कैप्चा डाल के यहाँ पर आपको कर देना है लॉगिन। तो यहीं पे आप अपने पैनल में अपने जो फॉर्म है उसकी जो फिलअप की है उसका स्थिति यहां से आप चेक कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और बुढ़वा पेंशन के लिए यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं सब एक बार फिर बता दूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, सभी डॉक्यूमेंट, फोटो वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह ले जाके आपको समाज कल्याण अधिकारी के पास सबमिट कर देना है। तभी वहां से आपका प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो वहीं पर पोस्टपोन हो जाएगा, बंद हो जाएगा और फिर आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा जब तक आप जाके जमा नहीं कीजिएगा तब तक। इसीलिए आपको समाज कल्याण अधिकारी के पास आपको पूरे डॉक्यूमेंट जो है जो फिलअप की है और जो मैं अभी बताया हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट जाके आपको समाज कल्याण अधिकारी के पास सबमिट कर देना है, तभी आपका जो से वो आगे बढ़ पाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।